तो नमस्कार भाइयों, कैसन बारी रहुआ लोग। तो तोहरा भाई आ गया बा एक और। वैसे ये मार पहला वीडियो है कि इसमें हम तनी भोजपुरी टच देने वाली। अगर तोहरा के लाइक पसंद आयल वीडियो तो जरूर बताइए, ठीक ना। तो हम पहला बार ऐसा करते हैं कि मतलब भोजपुरी का टच देता नहीं। तो हमार और हमारे टीममेट के पास में केवल एको को काम बा, वह लूटे को। लूटे के बाद में हमने कहा जाने जाए मिल्टा मिल्टा में होला एको स्क्वाड। एको स्क्वाड होला तो ये हमारा पे बंदा का फायर देवे लगेला। तो हम कहें ना क्या इसे कैसे फायर देता है, रुका हम फायर दी। तो जब हम फायर देने के बारी आईली तो ये हमारा देखबे ना करे, मतलब ये पी के ना करे। अब ये तो गलत बात बा ना कि तुम पिक करबो तो हम पिक ना करब, मतलब ये मैचिंग मैचिंग नहीं खे होत। देने के बाद में हम आ जानी फटाफट पीछे पीछे आने के बाद में हम जब बैठे नहीं तो हम देख लें कि यार ये दिखाई दे तो करके मारल जाओ। हमारे टीममेट को लो जान मतलब मार्क लगाओ तब कि मतलब दिखाई दे। तब तक देखने तो हमारे दो गो टीम जान नॉक। वो हमारे एक वो एक बंदा हमारे दो गो टीम को नॉक कर देला। तो जहाँ एक नंबर हो लें ऊपर देना रिवाइव उन दोनों के। और हम जो है यहाँ के बैठनी नेट टूक कर नहीं सोचनी कि यार मारल जाओ। पर ना यहाँ के बैठनी तो हमें बंदा दिखाई दिलस। तो हम कहते हैं अरे ई का लौकता। तो हम फटाफट से कर रहे हैं मतलब फोरस खोले नहीं है, फोरस एम टू खोले पहले चिपका देनी है करा के। तो एक को चिपका के बाद दोबारा देख लें कि दिख जाए तो पेटी बना दें। पर ना दिख करे तो हम क्या करें, फिर जहाँ बैठे का दिखे तो मारल जाओ। पर दिखे ना करे तो हम इन्हीं करत रहें, गन ऑन रिलोड करत रहें, मतलब कुछ एकदम देखत रहें कि बंदा कहाँ बा नहीं के। तब तक हमारे एक और टीममेट एक नंबर टीममेट हो जा रहा नॉक। नॉक के बाद हो जा रहा सीधा फिनिश, उसे फिनिश डाल दे रहा। तब तक इन्हीं आके देखनी तो इन्हीं आके गड़िया लेकर रॉस करते रहे। तो फटाफट से ओकर फोरक्स उतार देनी। तब ओकर दूसरा टीममेट कहते रहे अरे ऐसे कैसे रे, तो ओकर को उतार देनी। वो कहते रहे कि यार तू हमारे टीममेट को मार देला, हम तोरा ना छोड़ा, ठीक बा आ जा तू तोरा काम ना छोड़ा। तो ओकर के तुरंत नॉक कर देने के बाद में फिर ऐसे ही रीलोड करत इन्हिया घूमत तो हमें केव दिखबे ना करे। तो हम सोचनी कि चला यार जहाँ तो बहुत देर हो गई, अब जहाँ ले निकल जाओ का कर लो। तो बंदा दिखबे ना करत रहे, वो निकलबे ना करत। हम का करने की फटाफट से आ जानी आगे। आगे आने के बाद में फिर देखने की बंदा केनिया बा, केनिया बा बंदा दिखबे ना करत रहे। तो दोबारा पीछे जाने पीने देखने की यहाँ बंदा दिख जाए पाए जाओ ना दिखत रहे। तो हम का करने के दोबारा से आ जानी ये वाले घर में आने के बाद में फिर चल जानी ऊपर। ऊपर आने के बाद हम करते रहे हीलिंग करने के बाद में जो हमें क्या आगे जाके बैठनी। तो ये बंदा दिख ला नीचे तो ऊपर वाला हमारे का स्प्रे दे लगा। तो हमू करके स्प्रे दे लगे अभी, बट अगर स्प्रे ना लगा तो हम करनी चले ग्रेनेड कुक करके मारल जाए। तो ग्रेनेड कुक करनी तो हमारे डेला का डैमेज, मैंने कहा अरे डैमेज देता रहे। तो फिर मार ले ग्रेनेड कुक करके तो यार नॉक होने के बाद फिर हमारे पर ग्रेनेड कर ले तो हम बच जानी। बचने के बाद हम फटाफट लगा हीलिंग आगे आगे बैठ जानी। बने तो ई हमारे दिखा होता नहीं का करते रहे इनिया कैसे जिगल देते रहे का करते रहे पता नहीं लगा। तो अगर फिर आपको बैठने देखने के हमारे ग्रेनेड था ये नहीं खेवा नहीं करो नॉक कर देती। तब तक देखनी कि उनिया से उसका मतलब तीसरे का टीममेट होने की ताकत था। तो ओकर अगर नॉक करने के बाद में हम सोचने की आखिर टीममेट बदलवा देकर मारल जाओ तो ये हमारे को मार दिलस खत्म। फिर ओके बार में ये आला चार नंबर हमें रिवाइव करे खातिर। फिर रिवाइव होने के बाद में हमारा पिंक कैसू और हम ए जाए मिल्टा में शहीद हो जानी। तो शहीद होने के बाद में फिर हम लगा लीजिए रूम मैच फिर दोबारा सही मिल्टा के आगे बाद में कर ले जहाँ लूट। ये लूट तो बहुत जरूरी बा। तो ये जहाँ आके लूट उट कर ली फिर ओके बाद में यहाँ से निकल जाओ लूट उट करके ही सोच रहे। तो यहाँ से लूट उट करने के बाद में सीधा आ जाए मिल्टा पावर आए नहीं जा। तो ये जहाँ रहे एगो स्क्वाड रहे तो हमें टीम मेट के मारा रहे। तो जहाँ दिख गए मतलब एगो तो हमें मार्क करनी जात नहीं करके मारे स्प्रे देख रही। तो जहाँ से एगो मतलब गन का साउंड सुनाई दिला से कहाँ ले मरला से हमारा तीन नंबर टीम मेट को नॉक कर दिला सर। तब तक देखें तो इजाही तो खड़े होकर मारा लगल सर। तो हम लोग इजाही तो खड़े होकर फिर हम खत्म कर देनी। देन ओकर आवाज में करनी एक नंबर के रिवाइव। तो रिवाइव करे के बाद में फिर जहाँ से हमने निकल जाने जा बंदे की तलाश में। तो बंदे हमने मिल जाए जहाँ स्कूल अपार्टमेंट के पीछे वाले घरवा के ऊपर पहाड़ी पर ये जहाँ आए रहे कम से कम तीन गो बंदा एक स्क्वाड को तीन गो बंदा आए रहे। एक पता नहीं कहाँ रहे उन्होंने कहा ना मालूम है। तब एक बाद में हम और एक नंबर चल जानी ऊपर एक रस करे खातिर। तो जहाँ से दिखल सर तो स्प्रे दे नहीं पड़े करे ना लागल। तो एक नंबर का कल सर स्प्रे दे के नॉक कर देना सर। दिन बाद में हमको दूसरा का बंदा दिखाई दे तो फटाफट से स्प्रे देकर नॉक कर देनी। हम नॉक करे के बाद में फिर हम कर ली पर फ्लैंक करे के। तो फ्लैंक कर हम जात नहीं फ्लैंक करे। तो जहाँ आके हम थोड़ी देर बैठनी कि जहाँ से दिखे तो हमें ना दिखल। तब एक थोड़ी देर बाद में का भेल कि हमारे दो नंबर और तीन नंबर आ गए गाड़ी लेके। तब लेकिन यहाँ बंदा दिखाई दे तो हम कर लिए अपना पेटी मतलब तो यहाँ में किल सिक्योर विक्योर करके पेटी उटी डाल के फुल मतलब रिवाइव देते रहो। तो अगर पेटी उट डाल के यहाँ से निकल जाए तो यानी
यहाँ आई जब अली जा तो यहाँ आएगा स्क्वाड, एक और स्क्वाड जहाँ आएगा। तो देखो एक को तो हमारा एक नंबर मार दे रहा है, तब तक आ ले दूसरा गाड़ी आ ले तो ओकरा ऊपर से हम उतार देनी। देन उसके बाद में जब पहला बंदा गाड़ी से आए ऊपर को मार देनी और ऊपर वाले को मार देनी। उसके बाद में फिर आगे बढ़त नहीं कि जहाँ को नौक बा पिने डाले पेट डाला तो हमारा एक नंबर को पेट डाल ले दिलस। तब तक देखते नहीं कि जहाँ से एगो बंदा रहे कोना में तो हमारे एक नंबर के नौक कर दिलस। तो हमारा का दिखाई दे रही तो उसके मार के फटाफट से हो जाए हमारे जहाँ छः गो किल। अब छः गो किल हो जाला तो उसके बाद फिर आए यहाँ पेटी लूटत नहीं। देन ओकर बाद फिर पिंक कैसु भइल और हमारे पेटी जो है फिर बन गई। तो हम एक और लगा ली तीसरा मैच में फिर हम जानी प्रिजन आने के बाद में फिर हम फिर करने अपने लूटा लाटी स्टार्ट ये का करल जाए। दू गो मैच में तो मतलब पेटी बन गई लोग उससे पिंक का इशू से। यार पिंक का इशू तो बड़ा परेशान बनी आजकल यार, पिंक का इशू बहुत दिमाग खराब करेला ओकर मतलब उससे पेटी बन गए। तो पेटी बन गए चलो कोई बात नहीं, पेटी बन गए तो बन गए का करो जाओ। अब मैं के कस्टमर केयर पर कॉल लगा के कहो कि यार तोने का नेट सही नहीं के हमने का नेट सही करके दो जा ना तो हम सिम चेंज कर लो। ओकर बाद में फिर चलो जहाँ लूटा लाटी करल जा कुछ ना कुछ मिल जाओ। शिक्षक सब मिल गए कुल और गन एगो यू एम पी एगो एस के एस ठीक ठाक बा क्लोज रेंज लॉन्ग रेंज थोड़ा निपट जी। तो बाद में जहाँ हमने के टीम मेट को मिल रहा है फ्लेयर, तो फ्लेयर मिल रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि जहाँ फ्लेयर ना चलाए के वो जहाँ शॉपिंग बा वहाँ पे चल के फ्लेयर चलाए के। तो यहाँ से हम लोग लूट करने के बाद में फिर चले जाते हैं सीधे शॉपिंग पे, शॉपिंग वाले सेंटर पे। तो यहाँ हम फ्लेयर चला देते हैं, फ्लेयर फिर फ्लेयर चल जाला तो फिर इंतजार करते हैं कि फ्लेयर कब आए तो लूटल जाओ। तो ये आ गया हमारा फ्लेयर, हमको ताकत रहने की कब नीचे आए तो फटाफट करके लूटल जाओ। देखो किल फील्ड में हिंदू नाम का लड़का कैसे चमकावा था अपनी गनिया। खैर छोड़ो कोई बात ना। देन उसके बाद आई यहाँ मतलब फ्लेयर गिर तो हम उठा लेनी एम के, जैसे ही एम के उठाने तब तक आगे लगे स्क्वाड। अब एक स्क्वाड आई तो हम फटाफट से उसके स्प्रे देनी एम के का कि फटाफट नौक हो जाए पर नौके ना भाई। तो एक मैं एक कलुआ रहे देखो कलुआ निकली है भाई जहाँ से। तो कलुआ का करना था कि ये सोचते रहे कि हम मारा ऊ का कह लो के क्रॉसबो। तो ये हमारे पे क्रॉसबो मारा रहा है जब तक हम एक पे कर देनी यू एम पी का फायर। तो यू एम पी का फायर से ये हो जा रहा नौक। तेन हम करानी ग्रेनेड और ग्रेनेड कुक करके हम ऊपर फेंकते रहनी मतलब फेंक देनी कि ओकर पेटी बन जाए और जो दूसरा टीमेट को रिलाइव कर जाए वो नॉक हो जाला। तन इसका तीसरा टीमेट आला और हमारा पेटी बना के चोल जाए। तो अगर भाई आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल विद ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।